गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेलेक्शन मेंटोर पे। लास्ट क्लास में अगर आपको ध्यान हो तो हमने अपने मेमोरी वाले टॉपिक को कंप्लीट किया था, उसके क्वेश्चंस किए थे, थ्योरी थोड़ी बहुत देखी थी। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था, दैट इज़ पर्सनल कंप्यूटर। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं इसलिए ज़्यादा टाइम इस टॉपिक में हमें नहीं लगेगा, तो हम जल्दी से इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और सीधे इसके क्वेश्चंस पे आएंगे, क्योंकि इसके बेसिक फंडामेंटल्स में केवल क्वेश्चंस ही हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा, जैसे कुछ टॉपिक हैं पर्टिकुलर जो आपको पता होने चाहिए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला मैं आपको दो तीन इसकी शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ। सबसे पहली है यूपीएस, सुना है आपने इसके बारे में? यूपीएस के बारे में सबने सुना होगा। जब पहले के टाइम में हम पर्सनल कंप्यूटर की बात किया करते थे तो पर्सनल कंप्यूटर का जो बड़ा वाला स्क्रीन, उसके साथ सीपीयू और नीचे की तरफ एक बॉक्स सा रखा रहता था हमारे पास में, जिसका बटन ऊपर की तरफ करने पे बीप की आवाज़ आती थी, अगर आपको ध्यान हो तो, उसको यूपीएस कहा जाता था। यूपीएस का मतलब क्या है हमारे पास में? तो यूपीएस का मतलब है जब भी कभी फ्लक्चुएशन आते हैं लाइट के अंदर, तो उन फ्लक्चुएशन को कंप्यूटर तक ना पहुंचने देना, ये काम होता है यूपीएस का। ठीक है, एक प्योर और कंटिन्यूअस वेव को, एक प्योर और कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी को कंप्यूटर तक भेजना ताकि उसके कंपोनेंट डैमेज ना हो, ये काम किसका होता है? यूपीएस का, जिसकी फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ठीक है, तो एग्जाम में ये पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको ये शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ऐसे क्वेश्चंस के अंदर शॉर्ट फॉर्म आती जाएंगी हम डिस्कस करते रहेंगे, और नहीं आएगी तो फिर हम उसको आगे डिस्कस कर लेंगे। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पीसी स्टैंड फॉर क्या होगा? पर्सनल कंप्यूटर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है उसमें कह रहा है इन मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या होता है? पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, मदरबोर्ड होता है आपके कंप्यूटर का सबसे बड़ा सर्किट। मदरबोर्ड होता है आपके लैपटॉप का सबसे बड़ा सर्किट। जो कीपैड के नीचे एरिया दिखता है वहां पे मदरबोर्ड लगा रहता है। मदरबोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो कि पीसीबी आपने सुना होगा, पीसीबी सुना होगा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी। तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के ऊपर एक सर्किट डिजाइन किया जाता है कंप्लीट, जिसमें आईसी भी लगाई जाती है, इंटीग्रेटेड सर्किट भी लगाया जाता है। आईसी साथ साथ में प्रोसेसर, प्रोसेसर के साथ में रैम, रैम के साथ में मेमोरी, ये सब चीजें इसी के ऊपर लगी रहती हैं। तो मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड कंप्यूटर की आत्मा बोल सकते हो आप। ठीक है, मतलब बिना मदरबोर्ड के कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। तो क्या कह रहा है? इन मदरबोर्ड इंफॉर्मेशन बिटवीन कंपोनेंट्स ट्रेवल बाय। तो मदरबोर्ड के अंदर कंपोनेंट्स के बीच में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करती है? तो कंपोनेंट के बीच में जो इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है उसके लिए हम यूज क्या करते हैं यहाँ पे? तो उसके लिए यूज किया जाता है हमारे पास में बस का यूज किया जाता है। मैं इन सब के बारे में बता देता हूँ कौन सी चीज किस चीज के लिए यूज की जाती है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ बस की, तो बस दो तरीके की होती हैं, एक होती है सीरियल बस, एक होती है पैरेलल। हमारे पास में जो इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए होती है वो बस का इस्तेमाल किया जाता है। और बस आपने देखा होगा इस तरह का एक वायर होता है चौकोर सा, जिसके बीच में लाइनें बनी होती हैं इस तरीके का, और दोनों साइड में जिसके सॉकेट निकले रहते हैं, और उन सॉकेट को हम सामने मेल और फीमेल सॉकेट से कनेक्ट करते हैं। इस तरीके का वायर होता है, देखा होगा आपने कई बार। आपने अगर डिश टीवी या फिर डीटीएच का कभी आपने बॉक्स ओपन करके देखा हो तो उसके अंदर भी इस तरह के वायर लगे रहते हैं। तो ये क्या कहलाती हैं? ये बस कहलाती हैं, ये इंफॉर्मेशन सेंड करने के काम आती हैं, और ये पैरेलल बस होती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हर पर्टिकुलर वायर से पैरेलल फॉर्म में जाती हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट के बीच में इंफॉर्मेशन ट्रेवल कराने के लिए किसका यूज करते हैं? बस का यूज करते हैं। ठीक है, अगला है, अगर हम फ्लैश मेमोरी की बात करें तो आपको फ्लैश मेमोरी पता है। पोर्ट क्या होते हैं? पोर्ट भी दो तीन तरह के होते हैं हमारे पास। पोर्ट वो होते हैं जो कि एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए यूज में आते हैं। फिर वो सीरियल पोर्ट भी हो सकता है, पैरेलल पोर्ट भी हो सकता है, यूएसबी भी हो सकता है। तो ये सब क्या होते हैं हमारे पास में? पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, बूटिंग के टाइम पे सीमॉस का यूज किया जाता है, जब कंप्यूटर चालू हो रहा होता है उस समय पे सीमॉस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो सीमॉस एक बिल्कुल ही अलग चीज हो गई। आगे आते हैं,
मेन सर्किट बोर्ड, मेन सर्किट बोर्ड जिसको मदर बोर्ड भी कहते हैं, मेन सर्किट बोर्ड ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज, वापस वही पूछ लिया आपसे, आई थिंक मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर हेल्प टू स्टोर इंफॉर्मेशन, ऐसा कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए काम में आता है। आई थिंक मेरे को इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। डेटा कहाँ स्टोर करते हो? डिस्क ड्राइव में स्टोर करते हो, जिसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं हम, ठीक है, कीबोर्ड में नहीं करते, ये सब मेरे हिसाब से आपको पता ही होगा। मीनिंग ऑफ IBM, IBM वही है जो आप सोच रहे हो, यस IBM वही कंपनी का नाम है, लेकिन उसने किस चीज के ऊपर अपना ये नाम रखा था, एग्जामिनर ने ये पूछा है, तो इसने रखा था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM पहले क्या बनाया करती थी? कंप्यूटर बनाया करती थी, इसलिए उसने नाम रखा था इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर उसने अपना कदम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में रखा, तो इसने अपने सॉफ्टवेयर भी निकालने स्टार्ट कर दिए थे IBM ने, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ध्यान रखिएगा इसका, तो क्वेश्चन दो तीन बार ऑलरेडी आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक्सेसरीज कनेक्ट द सिस्टम यूनिट विद, एक्सेसरीज कह लो या एक्सटर्नल डिवाइसेस कह लो, वो किसके थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हो? पोर्ट के थ्रू ही कनेक्ट कर सकते हो एक्सटर्नल डिवाइसेस, और किसी के थ्रू कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बस जो होती है वो इंटरनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के काम आती है, तो इससे कनेक्शन नहीं होता। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अभी अभी समझाया था ना UPS की फुल फॉर्म, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट हैज डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम अ कंप्यूटर मदरबोर्ड, वो कौन सा पार्ट है जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड से डायरेक्ट कनेक्शन रखता है? तो भैया डायरेक्ट कनेक्शन यदि कंप्यूटर के मदरबोर्ड से रखना है, तो इसके लिए मीडिएटर का काम करता है एक ही चीज है, वो है माइक्रो प्रोसेसर। बिना माइक्रो प्रोसेसर के आप कंप्यूटर से कनेक्टिविटी नहीं रख सकते, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर ही है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू, जो आप सी वगैरह बोलते हो या फिर जो भी हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज के बीच में कोऑर्डिनेशन का काम करता है, तो बिना इसके आप कंप्यूटर नहीं चला सकते, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? देखो ये इंपॉर्टेंट है, मॉडम, मॉडम का क्वेश्चन हो सकता है आगे आए, लेकिन मैं आपको मॉडम बता देता हूं। मॉडम को दो पार्ट में तोड़ लो, मॉडम का मतलब होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। कंप्यूटर में इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। मॉड्यूलेशन मतलब कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, ये क्या कहलाता है हमारे पास में? मॉड्यूलेशन कहलाता है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एनालॉग सिस्टम को या एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, एनालॉग फॉर्म को, ठीक है। डीमॉड्यूलेशन क्या करता है? वापस डिजिटल फॉर्म को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यदि मैं आपको बताऊं, तो जब भी आप कोई भी वॉइस, जैसे आपने कोई गाना गाया, तो आपकी जो वॉइस है वो कुछ इस तरीके से जाती है, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके से, एक्सपांड स्मॉल इस तरीके से जाती है। तो जब आपकी वॉइस जाती है, तो ये एज इट इज जब माइक के अंदर जाती है, यहाँ पे जब माइक के अंदर आपकी वॉइस जाएगी, तो इसको माइक इलेक्ट्रिकल पल्स से यहाँ ले जा करके जब इसको ट्रांसमिट करना होगा, तो यहाँ सर्किट लगा होगा जो मॉडम, जिसको हम मॉडम कहते हैं। मॉडम क्या करता है? इस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, 01 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, फिर डेटा को सेंड करता है आगे, या कंप्यूटर तक, या आपके मोबाइल तक, ठीक है। और मोबाइल से जब वापस वो डेटा बाहर निकलता है, तो यहाँ डीमॉड्यूलेटर लगा रहता है, जो डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, उस डिजिटल फॉर्म को वापस एनालॉग में कन्वर्ट करके, या स्पीकर जो लगा रहता है उससे वापस जो साउंड होती है वो इसी फॉर्म में बाहर आ जाती है। यहां तक मेरे हिसाब से बात समझ में आ रही होगी। तो मॉडम क्या होता है? मॉड्यूलेशन, मॉडम होता है मॉडम और डी, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। जनरली इसका ब्रॉडबैंड में इस्तेमाल किया जाता है, मॉडम का यूज करते हैं ना इस्तेमाल हम, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया हार्ड डिस्क, आई थिंक आपको पता ही होगी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, टू रन अ CD इन अ कंप्यूटर वी नीड, CD को रीड कराने के लिए क्या चाहिए होता है? भाई CD ड्राइवर ही तो चाहिए होगा, CD को रीड कराने के लिए क्या चाहिए? CD ड्राइवर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर यूनिट इज कैरीड बाय, एक जगह से, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में यदि मुझे इंफॉर्मेशन को भेजना है, तो मुझे किस चीज का यूज करना होगा? तो भैया इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए हम किसका यूज करते हैं? बस का यूज करते हैं। तो बस हमारे पास तीन जगह पे है,
तो तीन जगह पे बस में से इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए कौन सी बस यूज आती है? यस, डेटा बस यूज आती है। अब बात आती है कि सर एड्रेस बस कब यूज आती है? तो एड्रेस बस तब यूज आती है जब हम कंप्यूटर से कोई इंफॉर्मेशन मांगते हैं, तो रैम के अंदर कभी भी डेटा नहीं जाता। जब भी हम रैम की बात करते हैं तो रैम के अंदर हमेशा जो भी हम कंप्यूटर से डिमांड करते हैं उस चीज का एड्रेस जाता है। जैसे सपोज आपने कहा कि मुझे देखना है कि ये पीके मूवी मैंने कहाँ रखी है अपने कंप्यूटर के अंदर, तो जब आप कंप्यूटर में सर्च पे पीके लिखोगे मूवी के साथ, तो जब वो रैम के अंदर जाएगा प्रोसेस होने के लिए, तो वहां पे पीके नहीं जाएगा, वहां पे इस पीके का एड्रेस जाएगा। और उसको लेके कौन जाएगा? उसको लेके जाएगी एड्रेस बस। ठीक है, यहां से डेटा आया और यही एड्रेस बस यहां भी होगी जो कंप्यूटर में सर्च करेगी कि ये वाला एड्रेस कहां पे मौजूद है, और जैसे ही वो मिल जाएगा उसे रैम तक पहुंचाएगी और रैम उस इंफॉर्मेशन को हमारे पास ट्रांसफर कर देगा। तो एड्रेस बस क्या होता है? इंटरनल कंप्यूटर के अंदर जितनी भी प्रोसेस चलती है जिसमें एड्रेस ढूंढने का काम चलता है कि पर्टिकुलर आइटम कहां पे होगा, किस एड्रेस पे है, तब हम एड्रेस बस का यूज करते हैं। डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, इंफॉर्मेशन को भेजने के लिए किसका यूज होता है? डेटा बस का यूज किया जाता है। बात सही समझ में आ रही है? एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होती है, डेटा बस बाईडायरेक्शनल होती है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और जितनी भी कंट्रोलिंग से रिलेटेड डिवाइसेज होती हैं जो कंट्रोल करने का काम करती हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए कंट्रोल बस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर इज द डिस्क पुट इन द कंप्यूटर? कंप्यूटर के अंदर डिस्क को कहां डाला जाता है? तो कंप्यूटर के अंदर डिस्क को डिस्क ड्राइव में ही तो डालोगे, और कहां डालोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमें, द डैश इज अ बॉक्स दैट हाउसेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट को अपने साथ रखता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट ही एक ऐसा बॉक्स है या फिर एक ऐसा पार्ट है दैट हाउसेज, मतलब रखना, किसी चीज को रखना, दैट हाउसेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम यूनिट किसको बोलेंगे? सीपीयू के अंदर पाई जाती है ये, तो सिस्टम यूनिट के अंदर ही हमारे पास में कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स लगे हुए होते हैं, सिस्टम यूनिट। यहां तक क्लियर है हमारे पास में बातें? चलिए, हार्डवेयर आपको पता ही है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर को यूजर से कनेक्ट कराता है, उनके बीच में एक मीडिएटर का काम करता है। हार्डवेयर क्या होता है? कंप्यूटर के जो पार्ट्स होते हैं जो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। इनपुट ड्राइव आपको पता ही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मेन सिस्टम बोर्ड, द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। मैं शायद इसे छोड़ सकता हूं क्योंकि मदरबोर्ड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी हो गया, माइक्रोचिप बहुत सारी लगी रहती है जो कि डेटा स्टोर करने का भी काम करती है, प्रोसेसिंग में भी यूज आती है। प्रोसेसर आपको पता ही है, ठीक है, जो आजकल हम बोलते हैं ऑक्टा कोर, है ना, हेक्सा कोर, ये सब प्रोसेसर ही होते हैं हमारे पास में। चलिए नेक्स्ट आते हैं, Which of the following is a part of system unit? System unit का part क्या होता है? देखो आ गया ना question हमारे पास में, तो system unit का part ये हो गया CPU, ठीक है? तो which of the following is a part of system unit? तो system unit का part CPU में होता है क्योंकि सारे important information यही जाके store होते हैं, तो ये दोनों आपस में interlinked हैं। Next question क्या कह रहा है? तो next question कह रहा है हमें, the box that contains the control electric component, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, क्या बोल रहा है? वो जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को अपने साथ में रखता है कंप्यूटर के, उसको क्या कहा जाता है, उस बॉक्स को? तो उस बॉक्स को अभी अभी हमने पढ़ा, क्या कहते हैं? सिस्टम यूनिट। यहाँ पे ही कंप्यूटर के सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगे रहते हैं, ठीक है। पेरिफेरल्स क्या होते हैं? तो पेरिफेरल्स आपको पता होने चाहिए, पेरिफेरल्स जो कि कंप्यूटर के साथ बाद में एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं उन सबको पेरिफेरल कहा जाता है। एक्सटर्नल कीबोर्ड कनेक्ट कर रहे हो उसको पेरिफेरल कहेंगे, माउस को पेरिफेरल कहेंगे, इनको पेरिफेरल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, स्टोरेज डिवाइस फाउंड इनसाइड द कंप्यूटर। तो स्टोरेज डिवाइस जो कंप्यूटर के अंदर पाई जाती है वो क्या है? सिंपल सी बात है, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या पाई जाती है? HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारे पास में, अ डिवाइस दैट प्रोवाइड इमरजेंसी पावर टू योर कंप्यूटर।
कंडीशंस क्या दिया हुआ है, द वोल्टेज एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट पावर, क्या लिखा हुआ है, सर्जेस, सर्जेस मतलब फ्लक्चुएशंस, उसको क्या कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, याद है क्या आपको, क्या आ जाएगा, यूपीएस, क्या हो गया, यूपीएस, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अब देखो इसमें सारी की सारी फुल फॉर्म दे रखी है इसने आपको, यूपीएस की दे दी, यूएसपी क्या हो गया, यूनिवर्सल सर्ज प्रोटेक्टर, ये एक अलग चीज है, ठीक है, PSU क्या हो गया, पावर सप्लाई यूनिट हो गया ये तो, जो कि एक्सटर्नली कनेक्ट करते हैं हम, और UPPS भी एक चीज होती है, क्या होती है, यूनिवर्सल पावर प्रोटेक्शन एंड सप्लाई, ये एक अलग चीज होती है, ठीक है। आगे चलते हैं, हमारे पास में क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम यूनिट, तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, तो आंसर बिना देखे लगा देंगे CPU। UPS क्या बोला उसने, फ्लक्चुएशन, यूपीएस बाय फ्लक्चुएशन लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लिमिटेड डैमेज कॉज बाय फ्लक्चुएशन लेवल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो यहां से हमारे पास में क्या आ जाएगा आंसर, ये आएगा क्या, चलिए आगे एक और पढ़ के देख लेते हैं, प्रोवाइड बैटरी बैकअप फॉर अ लिमिटेड टाइम, डिलीवर्स इलेक्ट्रॉनिक, नहीं कंडक्ट पावर, और नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का 19वें का आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दिया हुआ है अ डिस्क ऑन विच यू स्टोर इंफॉर्मेशन, जहां पे आप डेटा स्टोर करते हो उसको क्या बोलते हैं, डेटा डिस्क बोलते हैं, पेपर डिस्क बोलते हैं, प्लेट बोलते हैं, या टीवी डिस्क बोलते हैं, तो आप सीधी से आंसर क्या लगा दोगे, डेटा स्टोर कर रहे हो तो क्या बोलोगे, डेटा डिस्क ही बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क इज, कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है वो क्या है, एन अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बिल्कुल नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम, बिल्कुल नहीं, ये क्या है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क, क्योंकि आप चाहो तो इसे कंप्यूटर में से निकाल भी सकते हो और इसका बड़ा फॉर्म भी कंप्यूटर में लगा सकते हो, वहां स्लॉट रहता है एक्सटर्नल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अ डैश इज अ डिवाइस दैट नॉट ओनली प्रोवाइड्स सर्ज प्रोटेक्टर बट ऑल्सो फर्निशेज, क्या हुआ है, योर कंप्यूटर विद बैटरी बैकअप पावर ड्यूरिंग द पावर आउटेज, जब पावर चली जाती है तो कुछ टाइम के लिए बैटरी बैकअप भी वो देता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है यूपीएस। अच्छा मुझे बताओ कि यूपीएस अगर कंप्यूटर को पावर बैकअप दे सकता है तो कितने टाइम का दे सकता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो यूपीएस कंप्यूटर को 5 से लेकर 15 मिनट तक का बैकअप दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता, और इस ड्यूरेशन में आपको करना क्या होता है, इस ड्यूरेशन में जो भी आपका काम अधूरा है सबसे पहले उसे कंट्रोल एस करो, कंट्रोल एस का क्या मतलब होता है, सेव करना, तो क्या करना है, सबसे पहले उसे कंट्रोल एस करना है ताकि हम उस डेटा को सेव कर लें, फिर चाहे पीसी बंद भी हो जाए तब भी वो डेटा डिलीट नहीं होगा। अच्छा एक और क्वेश्चन पिछली क्लास में भी पढ़ा था, डेटा को सेव करने का क्या मतलब होता है, डेटा को सेव करने का मतलब होता है रैम, उसे रैम में से निकालकर इंटरनल मेमोरी में डालना, याद है हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, तो ये सब चीजें कनेक्टेड हैं, आपको पता होनी चाहिए। अच्छा मदरबोर्ड क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड क्या होता है, एक सर्किट बोर्ड होता है, ये सर्किट बोर्ड यहां भी दिया है, सीपीयू तो गलत हो गया, द फर्स्ट चिप दैट इज एक्सेस व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन, बिल्कुल नहीं, मदरबोर्ड तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सर्किट बोर्ड यहां पे भी, सर्किट बोर्ड यहां पे भी, देखते हैं सर्किट बोर्ड दैट हाउसेस पेरिफेरल, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो उसका एक छोटा सा पार्ट है, तो मदरबोर्ड दैट कंटेन्स अ सीपीयू एंड अदर चिप्स, सीपीयू और अदर चिप को रखने वाले को क्या कहते हैं, मदरबोर्ड कहा जाता है, यहां तक क्लियर है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्क पुट इन द कंप्यूटर, वेयर इज द डिस्क पुट इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर डिस्क को कहां डाला जाता है, तो डिस्क को डिस्क ड्राइव में डाला जाता है। द डैश कंट्रोल्स कम्युनिकेशन फॉर द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम, एंटायर कंप्यूटर सिस्टम के लिए कंट्रोल कम्युनिकेशन, क्या चीज है जो कंट्रोल करती है कम्युनिकेशन को एंटायर कंप्यूटर सिस्टम के लिए, तो एंटायर कंप्यूटर सिस्टम के लिए कंट्रोल करने में क्या यूज आता है, मदरबोर्ड का इस्तेमाल होता है, एंटायर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए, पूरे कंप्यूटर सिस्टम की कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने के लिए मदरबोर्ड, और यदि वो पूछे कि किस चीज के लिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए किसका यूज आता है, तो अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट का इस्तेमाल
किया जाता है। बात क्लियर है? ठीक है, तो देखो एक मैं आपको बता देता हूं, अगर ये आपका सीपीयू है तो सीपीयू के दो हिस्से होते हैं, पता होना चाहिए आपको। सीपीयू का पहला हिस्सा होता है एएलयू, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और इसका दूसरा हिस्सा होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट कंट्रोलिंग का काम करती है, जिससे डेटा बस में कौन कनेक्ट रहता है, कंट्रोल बस कनेक्ट रहती है, और एएलयू अर्थमेटिक ऑपरेशन काम करती है, इसलिए इससे डेटा बस भी कनेक्टेड रहता है और एड्रेस बस भी कनेक्टेड रहता है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। यहां तक बात क्लियर है सबको? चलिए तो फिर आगे चलते हैं। अगला हमें दिया हुआ है कि द सिस्टम कंपोनेंट दैट कंट्रोल्स एंड मैनिपुलेट डेटा इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड, जो इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करता है उसे क्या कहा जाता है। तो इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? सिस्टम कंपोनेंट दैट कंट्रोल, वो सिस्टम कंपोनेंट जो कंट्रोल भी करता है, मैनिपुलेट भी करता है डेटा को, किस चीज के लिए? इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए। तो इतना दिमाग कंप्यूटर में केवल माइक्रो प्रोसेसर के पास होता है और किसी के पास नहीं होता। यहां तक क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया हुआ है दीज प्रोवाइड एक्सपेंशन कैपेबिलिटी फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम। एक्सपेंशन कैपेबिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर सिस्टम को? तो एक्सपेंशन कैटेगरी प्रोवाइड कराता है स्लॉट्स। कैसे प्रोवाइड कराता है? एक्सपेंशन क्यों बोला हमने? जैसे सपोज मैं एक पीसी खरीद के लेके आया, मेरे पीसी की रैम थी 4 GB और उसकी इंटरनल थी 500 GB। मुझे चाहिए था कि भाई मेरे को इतने से काम नहीं बन रहा, तो उसका जो सीपीयू था उसमें कुछ स्लॉट्स खाली आते हैं, रैम के भी कुछ स्लॉट खाली रहते हैं और इंटरनल मेमोरी के भी कुछ स्लॉट खाली रहते हैं। अगर लैपटॉप है तो, कंप्यूटर है तो हार्ड डिस्क रहती है जिसको बदल के आप नहीं लगा सकते हो। ठीक है, मेरे को करना था क्या, मुझे 4 GB से 8 GB करनी थी मेरी रैम, तो मैंने क्या किया, उसके खाली स्लॉट में एक 4 GB की रैम और लगा दी। तो मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंशन कैपेबिलिटी को बढ़ा दिया। तो एक्सटेंशन कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कौन यूज में आता है? स्लॉट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, स्लॉट एक्सटेंशन कैपेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। यहां तक क्लियर है मेरे हिसाब से? चलिए अगला दिया हुआ है एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोसेसिंग डिवाइस वुड बी। प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जांपल क्या है, जो प्रोसेस करती है डिवाइसे। अब मैग्नेटिक इंक रीडर, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है क्या? चलो 2 मिनट के लिए होल्ड पे डालते हैं। अ टैबलेट पीसी, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है क्या? नहीं, ये तो अपने आप में एक पीसी है। स्पेशल फंक्शन कार्ड, क्या ये प्रोसेसिंग डिवाइस है? होल्ड पे डालते हैं। स्कैनर प्रोसेसिंग डिवाइस है? नहीं। कीबोर्ड प्रोसेसिंग डिवाइस है? नहीं। तो प्रोसेसिंग डिवाइस का एग्जांपल कौन सा है हमारे पास? तो दो ही चीज बची, स्पेशल फंक्शन कार्ड एक तो ये, और मैग्नेटिक इंक रीडर प्रोसेसिंग नहीं करता, वो क्या करता है, केवल रीड करने का काम करता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स को। ठीक है, प्रोसेस कहां होता है, वो कंप्यूटर के अंदर जाके होता है, लेकिन स्पेशल फंक्शन कार्ड जो होता है ये क्या करता है, ये डिवाइस है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस है जो कि प्रोसेस करती है किसी भी डेटा के ऊपर, स्पेशल फंक्शन कार्ड्स। अब कौन कौन से होते हैं, ये अपने आप में कोई कार्ड नहीं है, स्पेशल फंक्शन कार्ड जो होते हैं ये कैटेगरी होती है, इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। इसमें आता है एक साउंड कार्ड, साउंड कार्ड सुना है आपने? यस, वॉइस कार्ड भी इसको आप बोल सकते हो। इसके अंदर साउंड कार्ड आता है, ग्राफिक कार्ड आता है जो आप बोलते हो, जिसको वीडियो कार्ड भी बोला जाता है। ठीक है, साउंड कार्ड हो गया, वीडियो कार्ड हो गया, ये सारे के सारे कार्ड जो होते हैं ये कंप्यूटर में लगाए जाते हैं, ये एज अ हार्ड ड्राइव लगाए जाते हैं जिनको सॉफ्टवेयर से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो साउंड कार्ड क्या करेगा, कंप्यूटर में वॉइस का काम, वॉइस देने का काम करेगा। वीडियो कार्ड ग्राफिक्स अच्छे करने का काम करेगा। तो ये क्या है, सारे प्रोसेस करते हैं ये कंप्यूटर के अंदर इन चीजों पर्टिकुलर्स के लिए। तो इसको, इनको क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक फंक्शन कार्ड्स कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ डैश इज हार्डवेयर यूज टू रीड डिस्क। क्या बोल रहा है, अ डैश इज हार्डवेयर यूज टू डीज रीड डिस्क। डिस्क को रीड करने के लिए कौन सा हार्डवेयर इस्तेमाल किया जाता है? तो इस्तेमाल किया जाता है डिस्क ड्राइव। क्या यूज किया जाता है, डिस्क ड्राइव, पता ही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डैश इज द बॉक्स दैट हाउसेज, रखता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। आई थिंक मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो क्या लगा देंगे, सिस्टम यूनिट, इंपॉर्टेंट चीज। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डैश हार्ड ड्राइव
आर परमानेंटली लोकेटेड इनसाइड द सिस्टम यूनिट एंड आर नॉट डिजाइंड टू बी रिमूव अनलेस दे नीड टू बी रिपेयर और रिप्लेस. जब तक कि उनको रिपेयर या रिप्लेस करना ना पड़े तब तक परमानेंटली लगाई जाने वाली सिस्टम यूनिट के अंदर ऐसी कौन सी चीज है, तो क्या है, तो इंटरनल हार्ड ड्राइव है वो केवल. ठीक है, इंटरनल हार्ड ड्राइव जो है वो परमानेंटली इंस्टॉल कर दी जाती हैं सिस्टम यूनिट के अंदर. ठीक है, ताकि उनको निकाला ना जा सके और ना निकालना पड़े, केवल तभी निकालें जब वो खराब हो गई हैं या फिर उनको रिप्लेस. एक्सटर्नल, तो भैया एक्सटर्नल का मतलब भी है जो बाहर से हो, रिमूव तो हो ही नहीं सकता, स्टैटिक हो नहीं सकता, तो क्या आएगा, इंटरनल आएगा हमारे पास में, ये परमानेंटली सिस्टम यूनिट के अंदर लगी रहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि वॉट resides on the motherboard and connect the CPU to other components on the motherboard. क्या चीज है जो कि motherboard और CPU के बीच में connection का काम करती है, तो वो है system bus. वो क्या है, system bus. input unit नहीं करती है connection का काम, primary memory नहीं करती है, वो storage का काम करती है, operation का काम करती है mathematical. तो what reside on motherboard and connects the CPU to other components on the motherboard. तो वो कौन है, सिस्टम बस है जो कि कनेक्ट करती है जो डेटा को, या फिर हमारे पास में एड्रेस बस की तरह भी काम कर सकती है. तो सिस्टम बस ही एक ऐसी चीज है जो कि मदरबोर्ड और सीपीयू के बीच में कनेक्शन का काम करती है. ठीक है, डेटा को यहां से सीपीयू, सीपीयू से मॉनिटर, मॉनिटर से फिर मदरबोर्ड, इस तरीके से ले जाने का काम सिस्टम बस करती है. ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं. एन इलेक्ट्रॉनिक पाथ that connect one part of computer to another. ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है जो कि क्या करता है, पाथ, सॉरी, ऐसा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक पाथ है जो कि कनेक्ट करता है वन पार्ट ऑफ कंप्यूटर को अदर पार्ट ऑफ कंप्यूटर से, दैट इज बस. अभी अभी हमने कहा लॉजिक गेट नहीं होता. लॉजिक गेट कौन से होते हैं, देखो अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो एंड गेट और गेट, ये सब लॉजिक गेट्स कहलाते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ये क्या करते हैं, आपके कंप्यूटर बाइनरी नंबर्स को कन्वर्ट करने का काम करते हैं. ठीक है, 10 फॉर्म के कॉम्बिनेशन को, क्यों, क्योंकि 10 फॉर्म के कॉम्बिनेशन से ही ये पता लगता है कि ये डेटा जाएगा या नहीं जाएगा. ठीक है, तो एंड और ऑड गेट जो होते हैं वो बहुत लॉजिक गेट्स के अंदर आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं. ठीक है, सीरियल पोर्ट मैंने आपको बताया ही है. सीरियल पोर्ट क्या होता है, ये टाइप ऑफ पोर्ट होता है, इसमें नंबर ऑफ पिन 9 होती है, ये ध्यान रखना, 9 पिंस होती हैं सीरियल पोर्ट के अंदर. और कोई मुझे बताएगा पैरेलल पोर्ट के अंदर कितनी सिम होती हैं, तो पैरेलल पोर्ट के अंदर होती हैं हमारे पास में 25 पिन. कितनी पिन होती है, 25 पिन, ये ध्यान रखना. पैरेलल पोर्ट 25 पिन का होता है और सीरियल पोर्ट 9 पिन का होता है. मॉडम में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, यहां तक क्लियर है सबको, आई थिंक, सॉरी माफ करना. तो यहां तक हमारे पास में जो भी डेटा आएगा यहां तक आई थिंक हमें सबको क्लियर होगा. आगे चलते हैं. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूएसबी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस. आ गया ना सीरियल बस, तो ध्यान रखना. इसका मतलब, इससे एक और क्वेश्चन निकल के आ गया कि अगर कोई ये पूछे कि पेन ड्राइव में डेटा को सेंड करने के लिए किस तरह की बस का इस्तेमाल किया जाता है, हार्ड डिस्क में किस तरह की बस का इस्तेमाल किया जाता है, या कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस जो कि यूएसबी से कनेक्टेड है उसमें किस तरह की बस का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें सीरियल बस का इस्तेमाल किया जाता है. ये बात आपको पता होनी चाहिए कि इसकी डेफिनेशन से ये बात समझ में आ गई, यूनिवर्सल सीरियल बस. इसका मतलब ये जो डेटा होते हैं ये किस फॉर्म में जाते हैं, सीरियल फॉर्म में जाते हैं. अच्छा, क्यों जाते हैं सीरियल फॉर्म में, ये बताएगा कोई मेरे को. सीरियल फॉर्म में जाने का रीजन क्या होता है कि इनको मैं पैरेलल, कभी भी डेटा को मैं पैरेलल नहीं भेज सकता. किसी भी डेटा को मैं पैरेलल भेजूंगा तो वो प्रोसेस ही नहीं होगा, क्योंकि डेटा की तो एक सीक्वेंस होता है ना कि पहले ये जाएगा, उसके बाद ये जाएगा, उसके बाद ये जाएगा, इसलिए उसको सीरियल फॉर्म में भेजना पड़ता है. इसलिए हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, सीरियल बस का यूज करते हैं. पैरेलल कहां यूज कर सकते हैं, जहां पे हमें बाइनरी ऑपरेशंस करने हैं वहां पैरेलल यूज हो सकता है, क्योंकि वहां पे 01 की फॉर्म में जाता है और वो 01 साथ में जाएंगे हमेशा हमारे पास में. ठीक है, तो ये हमारे पास में डिफरेंस होता है. एक देख लेते हैं, यूजर सिस्टम बोर्ड, यूनिक स्टैटिक बोर्ड, ये सब फालतू की चीजें हैं, केवल एक आ जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस. आई थिंक मेरे हिसाब से यहां तक आपको क्लियर होगा. आज के लिए हम इतना ही करेंगे. पर्सनल कंप्यूटर में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है,
यही है जो कुछ है और इतना ही पूछा जाएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, कीबोर्ड वगैरह माउस वगैरह ये सब उसके अंदर आते हैं, लेकिन हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इसलिए हम इनको कवर नहीं करेंगे। ठीक है, हमने कार्ड्स की बात भी कर ली, वीडियो कार्ड ऑडियो कार्ड की बात भी कर ली, हमने यूपीएस की बात भी कर ली, हमने सिस्टम यूनिट की बात भी कर ली, सीपीयू की बात भी कर ली, मदरबोर्ड की बात भी कर ली और कनेक्शंस की बात भी कर ली। ठीक है, मैं आपको यही बता चुका हूं कि एड्रेस बस कहां काम करता है, एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल होता है, कंट्रोल बस कहां काम करता है, कंट्रोल बस कंट्रोलिंग को काम करता है, ये बाईडायरेक्शनल होता है, डेटा बस कहां काम करता है, डेटा को ट्रांसफर करने के काम करता है, और ये भी क्या होता है, बाईडायरेक्शनल होता है। ये ध्यान रखना तीनों चीजें। यहां तक मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर होगा, तो आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम फिर से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास में नहीं था। ठीक है, लेकिन हमें कवर करना था कि नेक्स्ट टाइम यदि हम क्लास में आए तो अगर कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ जाए, बस वगैरह से रिलेटेड, तो वो हम ना छोड़ें, नहीं तो एक आध क्वेश्चन ऐसा आता ही है हमारे एग्जाम में जो कि इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये सब चीजें करी, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैं उसके बारे में आपको बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में जो होगा दैट इज हम स्टार्ट करेंगे डिजाइन टूल एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कुछ कुछ चीजें मैं इसके बारे में बता दूंगा, या फिर इससे पहले ये ना पढ़ के हम इससे पहले इंटरनेट पढ़ेंगे। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम नेक्स्ट क्लास में इंटरनेट स्टार्ट करेंगे क्योंकि इंटरनेट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, और प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।